नमस्कार मैं आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पहली किस्त रक्षाबंधन पर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में बीते 48 घंटे के दौरान अप्रत्याशित तेजी आई है सरकार ने पूरे राज्य में 48 लाख बहन बेटियों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है बता दें गिरिडीह में लगभग चार लाख महिलाएँ इस योजना से लाभान्वित होंगी हर महीने की पंद्रह तारीख तक चयनित लाभुकों को उनके बैंक खाते में समान योजना की राशि के रूप में एक हज़ार रुपये भेजी जाएंगे योजना के पहली किस्त की राशि इसी महीने भेजने का लक्ष्य तय किया गया है आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसी महीने रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चयनित लाभुकों को योजना की पहली किस्त की राशि हस्तांतरित करेंगे बता दें विभागीय अधिकारी इस लक्ष्य को अमली जामा पहनाने की तैयारी में जुटे हैं प्रयास है कि सगुन के तौर पर हर जिले से चयनित 101 महिलाओं को मुख्यमंत्री रक्षाबंधन के मौके पर सम्मान योजना की राशि ट्रांसफ़र करें इसके बाद से हर महीने नियमित तौर पर 15 तारीख तक चयनित लाभकों को खाते में राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी बाबा मंदिर और बासुकीनाथ धाम के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर दर्शन सेवा केदारनाथ व माता वैष्णो देवी के तर्ज पर बाबा मंदिर समेत बासुकीनाथ धाम के हवाई दर्शन के लिए अब बाबा नगरी में भी भक्तों की सुविधा के लिए सरकार हेलीकॉप्टर दर्शन सेवा शुरू करने जा रही है इसके लिए नागर विमानन भी विभाग ने सारी तैयारी पूरी कर ली है विभाग के प्रधान सचिव वंदना दालेल ने देवघर पर्यटन विभाग को इस योजना के प्रचार प्रसार का निर्देश दिया है मिली जानकारी के अनुसार इसमें चार तरह के पैकेज बनाए गए हैं पहले पैकेज में बयालीस सौ रुपये में भक्तों का सात से दस मिनट में बाबा मंदिर का दर्शन कराया जाएगा वहीं दूसरे पैकेज में बयालीस सौ रुपये में सिर्फ बासुकीनाथ मंदिर का दर्शन कराया जाएगा तथा वहीं उतार भी दिया जाएगा वह बासुकीनाथ में मौजूद भक्तों के लिए होगा तीसरे पैकेज के अंतर्गत पचपन सौ रुपये में देवघर बाबा मंदिर से लेकर त्रिकूट पहाड़ का चक्कर लगाकर वापस लाया जाएगा झारखंड के गृह रक्षकों को अब प्रतिदिन एक हजार अठासी रुपये मिलेंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने उनचासवें जन्मदिन पर झारखंड के गृह रक्षकों को बड़ी सौगात दी है उन्होंने गृह रक्षकों को पुलिसकर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य प्रिश्रमिक दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है इसके तहत अब गृह रक्षकों को, को पुलिसकर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य परिश्रम के रूप में एक हज़ार अठासी रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा बता दें झारखंड के होमगार्ड जवानों के लिए खुशखबरी है उनके रोजाना परिश्रमिक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वृद्धि कर दी है सबसे खास बात यह है कि सीएम हेमंत सोरेन ने गृह रक्षकों को यह तोहफा अपने जन्मदिन पर दिया है दस अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन का जन्मदिन था शिक्षकों ने काली पट्टी लगाकर दर्ज कराया विरोध देवघर झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ रांची के वाहन लंबित मांगों के समर्थन में जिले में माध्यमिक शिक्षकों ने शनिवार को काली पट्टी लगाकर विरोध दर्ज किया है शिक्षकों के प्रमुख मांगों में एमएससीपी का लाभ वरीयता क्रम के अनुसार प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति एस स्कूल और आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों को प्रताड़ित करने पर अंकुश लगाना है बता दें जिला सचिव आलोक कुमार ने कहा है कि जिले में एक भी उच्च विद्यालय ऐसा नहीं है जहां पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक नियुक्त तो हो सभी स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापक के भरोसे हैं जिससे विद्यालय संचालन में असुविधा होती है उनकी मांग है कि शिक्षकों का वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाए व उन्हें प्रधानाध्यापक पद पर उन्नति दी जाए हेमंत सोरेन सरकार से युवा निराश हेमंता बिश्वा असम के मुख्यमंत्री सह बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिश्वा शर्मा ने रांची में कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार से राज्य के युवा निराश हैं वे विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ वोट कर नाराजगी जाहिर करेंगे बांग्लादेश के हालात पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह वहाँ हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं वैसी ही परिस्थितियाँ भारत के झारखंड असम और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हैं यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या घटी है असम में हिंदू जनसंख्या में दस प्रतिशत जबकि बांग्लादेश में तेरह प्रतिशत की कमी आई है हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा है कि झारखंड के युवा हेमंत सोरेन सरकार से निराश हैं वे विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ वोट देंगे और अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे सीएम हेमंत के जन्मदिन पर पीएम मोदी राहुल गांधी ने दी शुभकामनाएं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है साथ ही उन्होंने वंचितों और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने की बात कही है इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है उल्लेखनीय है कि झामो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने अपना उनचासवां जन्मदिन मनाया झारखंड में फिलहाल झाँ कांग्रेस और राज्य गठबंधन की सरकार है लोकसभा चुनाव में भी इन दलों में मिलकर चुनाव लड़ा है वहीं राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं विपक्षी गठबंधन इंडिया गरीबों वंचितों एवं आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बधाई देते हुए लिखा है कि हम उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं साहिबगंज में राम मंदिर से बजरंग बली की मूर्ति चोरी साहेबगंज के बाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोती चौक की खुटहरी में शनिवार की अहले सुबह राम मंदिर से एक अष्ट धातु से बनी बजरंग बली की मूर्ति चोरी हो गई है चोरों ने बड़े नटंकिया ढंग से चोरी को घटना का अंजाम दिया है मंदिर के पुजारी भरत लाल मंडल को जब मूर्ति की चोरी होने की आहट मिली तो उन्होंने आवाज़ देकर ग्रामीणों को इकट्ठा किया इसके बाद कई ग्रामीणों ने उन चोरों को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े भागने के क्रम में एक चोर पकड़ा भी गया है उसके साथ वारदात को अंजाम देने वालों दो अन्य साथी फरार हो गए हैं तो रांची के बिरसा मुंडा जेल पर छापा रांची जिला प्रशासन ने शनिवार सुबह होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल पर छापा मारा है हर माह होने वाला रेगुलर निरीक्षण था इसी दौरान सभी वार्ड एवं बैरक की जांच की गई सभी प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस जवानों ने जेल के अंदर मौजूद सभी चीज़ों की गहन से जांच की है इसके अलावा जेल की रसोई अस्पताल मुलाकाती कक्ष खेल का मैदान पुस्तकालय समेत स्थानों पर जाकर गहन छानबीन की गई बता दें रांची के बिरसा मुंडा जेल में छापेमारी के दौरान भांग खैनी गुटखा का पैकेट और एक पेन ड्राइव भी पाया गया इसके बाद प्रशासन ने इन सारी चीज़ों को जब्त कर अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है सीएम हेमंत ने जन्मदिन पर दिखाया अपने हाथ पर लगे कैदी का निशाना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना उनचासवां जन्मदिन मनाया इस मौके पर झामो कर्ता सीएम आवास में उनचास पाउंड का केक काटा कार्यक्रम का आयोजन डेढ़ बजे हुआ लेकिन इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने अपने जेल के दिनों को याद कर हाथ पर लगे कैदी के निशाने को दिखाया साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर आदिवासी मूलवासी पिछड़ों और दलितों के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद करने का संकल्प लिया वहीं हेमंत सुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अपने हाथ पर लगे निशान को दिखाते हुए लिखा है कि जन्मदिन के मौके पर बीते एक साल के स्मृति मेरे मन में अंकित हैं वे ओ कैदी का निशाना है जो मुझे जेल से रिहा होते समय लगा था उन्होंने आगे लिखा है कि यह निशान केवल मेरा नहीं है बल्कि लोकतंत्र की वर्तमान चुनौतियों का प्रतीक है कलाकारों के लिए विशेष नीति बनाएंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के कलाकारों के लिए शनिवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि साल 2025 में कलाकारों के लिए एक विशेष नीति बनाएंगे ताकि राज्य के साथ वे देश दुनिया में अपने हुनर को मजबूती के साथ प्रदर्शित कर सके वे शनिवार को रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में दो दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव दो के समारोह में बोल रहे थे वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन कलाकारों ने संस्कृति को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठा रखा है लेकिन उन्हें जानकारी मिली है कि उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के समक्ष आ रही चुनौतियों और उनके निकलने के लिए सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया है सरकारी स्कूलों का जारी होगा रिपोर्ट कार्ड झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों को रिपोर्ट कार्ड जारी होगा इसकी शुरुआत इस महीने 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 325 प्रखंड स्तर आदर्श विद्यालयों से होने जा रही है स्कूलों को 20 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट भेजनी है इसके बाद सितंबर से सभी हाई और प्लस टू स्कूल रिपोर्ट देंगे वहीं अक्टूबर से सभी प्राथमिक व मध्य विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड जारी होगा रिपोर्ट कार्ड के आधार पर स्कूलों को गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इसके अलावा बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को अलग से सम्मानित भी किया जाएगा इसके लिए स्कूली शिक्षा और संस्था विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश दे दिया है बता दें जे के एस आदित्य रंजन ने निर्देश दिया है कि स्कूल हर महीने की 20 तारीख तक रिपोर्ट कार्ड भेजेंगे सीएम हेमंत के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने दिया निर्देश झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटन के मामले में निर्वाचन आयोग से दोबारा मंतव्य मांगे जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हेमंत सोरेन को दो सप्ताह में याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश दिया है शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से कोई भी अधिवक्ता पेश नहीं हुआ हेमंत सोरेन ने तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस के निर्वाचन आयोग से दोबारा मंतव्य मांगे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है बता दें याचिका में चुनाव आयोग के मंतव्य पर तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस के निर्णय लेने पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में कहा है कि खदान लीज आवंटन मामले में चुनाव आयोग ने बहुत पहले ही अपना मंतव्य झारखंड राज्यपाल को भेज दिया है लेकिन राज्यपाल ने इस पर निर्णय नहीं लिया है पलामू पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जे जे एम पी का पूर्व एरिया कमांडर को किया गिरफ्तार पलामू पुलिस की एक विशेष टीम ने शुक्रवार की रात चैनपुर थाना के बराव चढ़वा मोड़ के निकट से किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे प्रतिबंधित संगठन जे जे एम पी के पूर्व एरिया कमांडर और उसके सहयोगी को लोडेड हथियार के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस के हाथे चढ़े पूर्व एरिया कमांडर ललन भूया उर्फ अर्जुन सिंह तेईस वर्षीय व बीरेन्द्र भुइया एक अन्य कुख्यात अपराधी मोनू सोनी के सहयोगी हैं यह जानकारी पुलिस अधीक्षक रिसमा रमेशर ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में दी है उन्होंने बताया है कि वैसे तो उक्त दोनों पूर्व नक्सलियों के विरुद्ध पलामू लातेवर गढ़वा जिले में सत्रह सी सहित अन्य धाराओं में कई कांड दर्ज हैं लेकिन पिछले 30 जुलाई को ललन भुईया ने अपने सहयोगियों के साथ गुमला थाना अंतर्गत कनक जल्स में हथियार के बल पर लूट का प्रयास किया था झारखंड मौसम झारखंड में बारिश ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है मानसून के सक्रिय होने से झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है जमशेदपुर ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे अधिक बारिश दर्ज कराई है वहीं अगले 24 घंटे में भी आठ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है इस दौरान लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है बेवजह लोगों को घर से बाहर निकलने से बचने के लिए कहा गया है बता दें झारखंड के आठ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है जिसमें धनबाद देवघर दुमका चतरा, डी गोड्डा जामता और साहेबगंज में भारी बारिश हो सकती है लोगों से बेवजह बाहर निकलने की अपील नहीं की गई वहीं झारखंड में चक्रवात बनने की भी संभावना बढ़ गई है धन्यवाद